आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ग्रह के बारे में बताने वाली हूँ जहाँ पे 40 साल तक का दिन और 40 साल तक की रात होती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अरुण ग्रह का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा, जिसे इंग्लिश में यूरेनस भी कहते हैं। ये सौर मंडल का डायमीटर के आधार पर तीसरा बड़ा ग्रह है। इस ग्रह पर मिट्टी और पत्थर की बजाय अधिकतर गैस पाई जाती है, जिसकी वजह से इसे गैस दानव भी कहा जाता है। यूरेनस दूरबीन द्वारा खोजा जाने वाला सौर मंडल में पहला ग्रह है। यूरेनस ग्रह अपने एक्सिस पर 98 डिग्री तक झुका हुआ है। इस वजह से यहाँ का मौसम बहुत ही असामान्य रहता है। यहाँ हमेशा तूफान जैसा माहौल बना रहता है। यहाँ हवाएं काफ़ी तेज चलती रहती है। आपको ये जानकर बेहद ही हैरानी होगी कि यूरेनस ग्रह पर 42 साल तक की रात और 42 साल तक का दिन होता है। इसका कारण यह है कि अरुण ग्रह पर दोनों में से एक पोल यानी कि ध्रुव लगातार 42 साल तक सूर्य के सामने और दूसरा अंधकार में होता है। यूरेनस सूरज से लगभग 3 अरब किलोमीटर दूर है। यही वजह है कि ये ग्रह बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। यहाँ का औसत तापमान -197 डिग्री सेल्सियस होता है। साइंटिस्ट के मुताबिक अरुण का लो टेम्परेचर -224 डिग्री सेल्सियस देखा गया है। सूरज से ज़्यादा दूर होने के कारण इस ग्रह पर सूरज की किरणों को पहुँचने में 2 घंटे 40 मिनट का समय लगता है। ये धरती से लगभग 20 गुना ज़्यादा है। पृथ्वी पर सूर्य की किरणों का पहुँचने में 8 मिनट 17 सेकंड का समय लगता है। यूरेनस अपने एक्सिस पर करीब 17 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि यूरेनस पर एक दिन मात्र 17 घंटे का ही होता है। यहाँ का एक साल पृथ्वी के 84 साल के बराबर होता है। यूरेनस पर बादलों की बहुत सारी लेयर्स पाई जाती हैं। सबसे ऊपर मीथेन गैस होती है। इसके अलावा यूरेनस पर बर्फ और पत्थर पाए जाते हैं। पृथ्वी पर केवल एक ही चांद है, लेकिन यूरेनस पे कुल 27 चांद हैं। हालांकि इनमें से अधिकतर चांद बहुत ही छोटे और असंतुलित हैं। उनका वजन भी बहुत ही ज़्यादा कम है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।